सुबह लक्ष्मी में आप नजर रखेंगे कमोडिटी मार्केट के ट्रेड पर, जहां पर हमने देखा है चीन के फैक्ट्री डेटा आने के बाद कच्चे तेल में कुछ गिरावट बनती हुई दिखाई दी। नाइमेक्स क्रूड $47 और ब्रेंट $49 के नीचे कारोबार कर रहा है। दूसरी तरफ सोना भी 4 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा है। कॉमेक्स पर भाव करीब $1135 के नीचे है। रुपए पर भी नजर डाल ले, कल डॉलर के मुकाबले करीब 32 पैसे कमजोर हुआ और 65.58 पर समाप्ति रही। आज क्या संकेत है, जिस तरह से बिकवाली हावी है कच्चे तेल में, क्या भारतीय ट्रेडर्स को भी बिकवाली करनी चाहिए? अनुज दीक्षित हमारे साथ, अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज बताइए क्या रणनीति होगी, क्या सलाह है आज कच्चे तेल के ट्रेडर्स के लिए? गुड मॉर्निंग सर, अगर हम देखें तो डेफिनेटली चाइना की जो डाटा है वो थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेट करता है, बट अगर हम दूसरा देखें तो लास्ट वीक मार्केट थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ था क्रूड का, तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल से बाइंग इंक्लाइंड होती हुई दिखाई दी है। तो मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट बाय ऑन डिप्स यहाँ पे कर सकते हैं, तो करीबन 3020 के अराउंड बाय इनिशिएट कर सकते हैं, टारगेट 3120 तक देखने को मिल सकते हैं। साथ ही सोना, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 1135 के आसपास तक के ट्रेड्स अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में सीमित दायरे में ही कारोबार रहा है। अनुज, 4 हफ्तों के लोज के बाद क्या कुछ बाउंस बैक आ सकता है, या फिर आज भारतीय बाजार में भी ट्रेड बिकवाली का ही रहेगा? देखिए गोल्ड के अंदर देखें तो जो भी फैक्टर आ रहे हैं वो सारे नेगेटिव ही आ रहे हैं, चाहे वो ETF की होल्डिंग हो वो भी एक नेगेटिव में ही चल रही है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउनसाइड रहेगा, तो इंट्राडे के लिए हमारा जो कॉल है वो सेल का रहेगा, तो करीबन 26,500 का राउंड गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं, नीचे टारगेट 26,200 तक और कॉमेक्स में करीबन 1120 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड सिल्वर में नेगेटिव हो सकता है। शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए। अनुज गुप्ता कहते हुए कि सोने चांदी में आज का दिन बिकवाली का ही रहेगा, साथ ही कच्चे तेल में भी एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, और ऐसे में उनका मानना है कि थोड़ी सी पोजीशन हल्के बहुत मामूली बायस की होती हुई दिखाई देगी तेजी की तरफ, लेकिन ओवरऑल जो मूड है वो सुस्त ही है कमोडिटी मार्केट के ट्रेड के लिए। वहीं वित्त मंत्री ने काले धन और टैक्स चोरी के मामले पर बड़ा बयान दिया है।